एचआरटीसी चालक और परिचालक यूनियन ने नाइट ओवरटाइम और अन्य देनदारियों को लेकर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूनियन ने पहले 7 मई को बिना एडवांस लिए नाइट ड्यूटी पर न जाने की बात कही थी, पर यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने के चलते एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने अपना आंदोलन टाल दिया था, लेकिन आज प्रबंधन के साथ बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। यूनियन ने अब एक बार फिर 15 मई तक अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 मई से पहले उनकी मांगे नहीं मानी जाती और उनके ओवरटाइम, एरियर और ड्यूज क्लियर नहीं किए जाते तो यूनियन 15 मई से आंदोलन शुरू करेगी। एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए विस्तार से। हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवरटाइम नाइट के लिए एडवांस लेकर आते हैं, जाना था, नोटिस दिया हुआ था हमारे को। प्रधान निदेशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवरटाइम नाइट की एक महीने। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने 15/5/2023 तक नोटिस दिया है। अगर 15/5/2023 तक अगर हम इसका कोई डिसीजन ना निकला, हमारी वार्ता ना हुई, हमारे को ड्यूज ना मिले, तो हम 15/5/2023 अपना एजुकेशन जो है वो यथावत चालू रखेंगे। वही हमारा जो 7/5 को था वही हमने रखा है कि रात्रि सेवा के लिए जहाँ भी हम जाएंगे वो एडवांस लेकर जाएंगे। 2016 के चेक मिशन के एरियर 4/9/14 के एरियर हमारे दुनिया भर के जो एरियर सरकार के पास है या प्रबंधन के पास है। सबसे बड़ा इशू जो है हमारा तनख्वाह का है, सैलरी का है। सैलरी हमें इन टाइम मिलनी चाहिए, हमें स्थाई हक चाहिए। हम माननीय मंत्री मोदी जी से अगर मीटिंग का जैसे ही 15 तारीख से पहले टाइम मिला तो हम उनसे भी इस बात का स्थाई हल ढूंढेंगे और जो हमारा नाइट ओवर टाइम का जो है वो उसका स्थाई हल मिले। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।